राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण के एपिसोड 1 पार्ट 2 में आप सब देखेंगे कि नारद जी श्री धामा से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आपको दारा के पास मिलने के लिए बुलाया है। तभी श्री धामा वहां से धारा की ओर चल देता है। तभी श्री धामा को श्री कृष्ण के पैर के निशान दिखाई देते हैं। तभी श्री धामा कहता है, ये मेरे प्रभु के पग के निशान है, जिसे श्री धामा उस पग के निशान का नमन करता है। तभी श्री कृष्ण वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आश्चर्य है ना, भक्त प्रभु को पाना चाहता है किंतु उसका प्रतिक्यूनों में खो जाता है। तुमने मुझसे वर्षों बाद भेंट की है और तुमने राह देखी, अब मैं भी तुम्हारे सामने हूँ। तभी श्री धामा श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर उनके पैर को छूने लगता है और आगे श्री धामा कहता है, आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया प्रभु और मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। और इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो श्री धामा, अपने मन की बोझ को हल्का करो। बोलो, कुछ कहने आए थे? बोलो, कहो क्या बात है? तब श्री धामा कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं ब्रह्मा जी का संदेश लेके आया था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के संदेश का नहीं, अपितु तुम्हारे मन के संदेह की बात कर रहा हूँ। बोलो क्या पीड़ा है? तब इसके आगे श्री धामा कहता है, प्रभु पीड़ा तो मेरे मन से लेकर तन तक है। एक भक्त के लिए उसका सब कुछ भगवान ही होता है। इस सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं सह पाएगा कि आपके नाम लेने से पहले आपके प्रेमिका का नाम लिया जाएगा और आपके लोग में आपके दर्शन के लिए आपके नाम से पहले किसी और का नाम क्यों लिया जाता है? क्यों प्रभु, ऐसा क्यों होता है? वो तो केवल आपकी प्रेमिका है ना, और प्रेम तो केवल माया ही होता है, उनका भक्ति से कोई संबंध नहीं है प्रभु। ये कौन है राधा? प्रभु मैं क्यों लूँ राधा का नाम अपने प्रभु श्री कृष्ण के नाम से पहले? तब इसके आगे श्री कृष्ण श्री धामा से कहते हैं कि ये झरना तुम देख रहे हो ना? तभी श्री धामा कहते हैं कि हाँ प्रभु, ये तो आश्चर्य है। ये झरना की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। तब इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, जो धारा के आकर्षण से नीचे की ओर बहे वो धारा, और जो नीचे के आकर्षण तोड़कर ऊपर की जाए वो धारा, वो राधा, जो सागर से मिलकर अपना अस्तित्व खो दे वो धारा, और जो अपने अस्तित्व के उद्गम की ओर जाए वो राधा, और जीवन का सार कृष्ण तो जीवन का आधार राधा है। तब कहते हैं कि ये हो सकता है श्री धामा? तभी श्री धामा कहता है कि क्षमा चाहता हूँ प्रभु, एक नदी सागर से बड़ी कैसी हो सकती है और जल धारा नीचे से ऊपर की तरफ कैसे बह सकती है? यह सब माया है प्रभु, आपके साथ छल हो रहा है। प्रभु आप उस राधा के कारण भक्ति से अत्यधिक महत्व प्रेम को दे रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ हो भी सकता है, मैं भी माया में फंसा हूँ तो क्या करूँ? यदि भक्त मुसीबत में होता है तो अपने प्रभु से सहायता मांग लेता है, किंतु मैं किससे सहायता मांगूं? और कौन करेगा मेरी सहायता? और कौन करेगा मेरे मन से इस माया का अंत? तभी श्री धामा श्री कृष्ण से कहता है, मैं करूंगा आपकी मदद। जो प्रभु ने मुझे जीवन दिया है मैं उनकी मदद अवश्य करूंगा, बस मुझे एक अवसर मिले तो। तब इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री धामा, भोग का समय हो गया है, अब चलो तुम वहीं पर मिलोगे।